अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राउज़र का एक और नया डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र का पैंचा हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और ट्राउज़र को कटिंग करते वक्त हम ट्राउज़र की लंबाई 3 इंच ज़्यादा रखेंगे और ये पहला मार्क लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। यहाँ पर हम प्रिंट टैक्स डालेंगे और ये डिज़ाइन आप लोग अपने शलवार पर भी बना सकते हैं। 1-1 फुट के हम ये प्रिंट टैक्स डालेंगे। ऐसे हमने पहला प्रिंट टैक्स डाल लिया है, इसी तरह हम इसके ऊपर 2 प्रिंट टैक्स और डाल लेंगे और ये हमने 3 प्रिंट टैक्स डाल लिए हैं। अब हम इन प्रिंट टैक्स के ऊपर 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच का हम गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर दोबारा से 3 प्रिंट टैक्स और डाल लेंगे और ये हमने ऊपर नीचे 3-3 प्रिंट टैक्स, टोटल 6 प्रिंट टैक्स हमने डाल लिए हैं। अब हम ट्राउज़र को डबल करेंगे और इस पर हम मार्क करेंगे लंबाई की तरफ। यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और चौड़ाई की तरफ हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये ऐसे चौड़ाई की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क किया है और लंबाई की तरफ हमने 5 इंच का मार्क किया है। अब इसी तरह से हम इस साइड भी ये वाला मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम शर्ट के साथ की पट्टियाँ लगाएंगे और ये पट्टियाँ हम ऊपर बेल्ट तक लगाएंगे। ये देखें, यहाँ भी हमने ये 3 इंच पर मार्क किया है। ये हमारी ऊपर वाली साइड है बेल्ट वाली और ये 3 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने निशान लगा लिया है और इसी तरह हम पैंचे को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे। और अब हम ट्राउज़र को खोल लेंगे और अब हम इन निशानों के ऊपर पट्टियों को स्टिच करेंगे। ये हम 2 तरह की पट्टियाँ लेंगे, एक हमने चौड़ी पट्टी ली है और एक हमने कम चौड़ी पट्टी ली है। और इस चौड़ी पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है और इस पट्टी को हमने दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखें, और ये बारीक पट्टी हम 1/2 इंच चौड़ी लेंगे। ये हमने 1 इंच चौड़ी ली थी, दोनों साइड से फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 1/2 इंच रह गई है। ये देखें, और अब हम सबसे पहले चौड़ी पट्टी लेंगे, इसको हम बेल्ट की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी को हम निशान के उस साइड पर रखेंगे। ये देखें, जैसे हमने पट्टी को रखा है और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था 5 इंच पर, वहाँ तक हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे। अब हम इस पट्टी को इस साइड पर कर लेंगे और पट्टी को हम बाहर वाली साइड पर ही, निशान के बाहर वाली साइड पर ही स्टिच करेंगे। ये देखें, जैसे हमने पट्टी को रखा है इस तरह से। और अब पट्टी को दोबारा से हम ऊपर की तरफ कर लेंगे ऐसे। हमने चौड़ी पट्टी को ट्राउज़र पर स्टिच कर लिया है। अब हम इस साइड पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, ऐसे पहले हम सिलाई को इस तरफ लगाएंगे और अब हम दोबारा से इस साइड से स्टिच करेंगे। अब इस कॉर्नर को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और अब स्टिच कर लेंगे। पहले हम इस साइड से स्टिच करेंगे और फिर दोबारा से हम सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे। ये देखें, ऐसे चौड़ी पट्टी को हमने अपने पैंचे पर ऐसे स्टिच कर लिया है। और अब हम बारीक पट्टी को स्टिच करेंगे।
ये हम बारीक पट्टी लेंगे, इसको हम इस पट्टी के बराबर रखेंगे। सेंटर में हम इन दोनों के सेंटर में हम एक इंच का गैप छोड़ेंगे। एक इंच के गैप पर हम इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। बारीक पट्टी को हम दोनों पिनटैक्स के सेंटर से इस साइड पर फोल्ड करेंगे, इस साइड पर टर्न कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल हम सेंटर से टर्न करेंगे। ये इसका सेंटर है और यहाँ से हम पट्टी को इस साइड पर कर लेंगे ऐसे। और अब हम दोबारा से पट्टी को ऊपर की तरफ कर लेंगे। बारीक पट्टी को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके पट्टी के इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से भी हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने चौड़ी पट्टी के कॉर्नर को फोल्ड करके स्टिच किया था, इसी तरह हम इसके कॉर्नर्स को भी फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे। और ये हमारा ट्राउज़र का पैंचा बिल्कुल रेडी है। देखें, बिल्कुल सिंपल और कितना प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लग रहा है। लास्ट में हम ट्राउज़र की फ़िटिंग कर लेंगे। और ये हमने ट्राउज़र की फ़िटिंग कर ली है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।